देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ मुबारकपुर थाना की पुलिस ने आज बमहौर अंडरपास के पास पुलिया के समीप घेराबंदी कर 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक 25,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि ये सभी ये बैठकर शहर कोतवाली के कुंदीगढ़ निवासी एक व्यक्ति के अपहरण की साजिश रच रहे थे। इनके पास अपहृत होने वाले व्यक्ति का रंगीन फोटो भी बरामद हुआ है। बदमाशों के कब्जे से 3 असलहे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस लाइन में सभी 5 गिरफ्तार बदमाशों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 बदमाश आपस में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का मशवरा कर रही हैं, किसी लड़के के अपहरण का जिक्र कर रही हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अंडरपास के पास से गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में बताया गया कि अली अंसारी उर्फ छोटे सरकार मोहल्ला कुंदीगढ़ थाना कोतवाली का निवासी है। इसी व्यक्ति का ये लोग अपहरण करना चाहते थे। बताया गया है कि अली अंसारी काफी पैसे वाला व्यक्ति है, जो शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा कमा चुका है। अली अंसारी का अपहरण करने के बाद ये बदमाश कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की डिमांड करते और जो पैसा मिलता बांट लेते। इनकी योजना ये भी थी कि अगर अपहरण के बाद पैसा नहीं मिलता है तो हत्या कर देंगे। गिरफ्तार लोगों में 25,000 का इनामी मोनू उर्फ सारिक, पुत्र मुबारक अली निवासी अली नगर कटरा थाना मुबारकपुर, हमजा पुत्र अहमद शहजा निवासी रूम नंबर 58 मोहल्ला जालंधरी पहाड़पुर थाना कोतवाली, मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद अतीक निवासी मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली, मोहम्मद कैफ पुत्र नसीम निवासी चेंट्स कॉलोनी मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली और अमन पुत्र नसीम निवासी मोहल्ला कुंदीगढ़ थाना कोतवाली शामिल हैं। थाना मुबारकपुर बमहौर अंडर के पास से अपहरण की साजिश रचते 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 तमंचे, 2 मोबाइल फोन और जिस व्यक्ति के साथ घटना कारित करनी थी उसका फोटो बरामद हुआ है, जिसमें इस एक अपराधी मोनू है, उस पर 25,000 का इनाम था। ये सभी अपराधी आजमगढ़ के हैं, एक मुबारकपुर थाना क्षेत्र का और बाकी 4 कोतवाली थाना क्षेत्र के हैं। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध, क्योंकि इनके पूर्व मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी इन्होंने अर्जित करी अपराध द्वारा, उसको चिन्हित किया जाएगा और उसका जब्तीकरण किया जाएगा। एक तो 25,000 का इनामी, इसके अलावा जो पुलिस टीम ने अपहरण की साजिश रचते जिन अपराधियों को पकड़ा है, इनके लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये की पुरस्कार की संस्तुति की जाएगी।